इंदौर में अवैध कब्जों को हटाने के विरोध में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय निगम अधिकारियों को धमकाते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह इंदौर में आग लगा देने की बात कह रहे हैं। दरअसल अधिकारियों ने कैलाश विजयवर्गीय को मिलने के लिए समय नहीं दिया था, इससे वह तमतमाए हुए थे। उन्होंने एसडीएम को हड़काते हुए कहा कि अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि उनके पास मिलने के लिए समय नहीं है। हम लिखित रूप से पत्र दे रहे हैं कि हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कैलाश विजयवर्गीय इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने एसडीएम से कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे संघ के पदाधिकारी शहर में हैं, नहीं तो इंदौर में आग लगा देता। अधिकारियों को कैलाश ने यह भी कहा कि जनता की नौकरी कर रहे हैं या अधिकारी, कमलनाथ की ड्यूटी बजा रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं, अब यू भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर शहर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं, अब यू भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर शहर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? बिल्कुल। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं, अब यू भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर शहर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? बिल्कुल। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं, अब यू भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर शहर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? बिल्कुल। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। तो बताया आपको कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ये वो शब्द थे जिसमें वो साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि संघ के पदाधिकारी हैं, नहीं तो इंदौर में आग लगा देते हैं।